बड़वानी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन कमेटी के सुमेर सिंह के सीएम भाजपा और शिवराज पर दिया बयान से बचा बवाल। भाजपा नेता पहुंचे कोतवाली थाने, दर्ज की जा रही एफआईआर। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन कमेटी के सुमेर सिंह बड़ोले द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिले में आकर दिखाने की चेतावनी। भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं के लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ आज अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष मनोहर आवासी बड़वानी कोतवाली थाने पहुंचे। सुमेर सिंह सोलंकी के खिलाफ आवेदन देकर कार्रवाई की मांग करिए। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष ओम सोनी भी थाने पहुंचे। कहा, वामपंथी संगठन के नेता ने दो दिन पहले कुछ बयान दिया था, वीडियो वायरल हुआ। वीडियो को लेकर हमारे भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पर आए थे। उस तारतम्य में उनसे भेंट करने आया हूं। सुमेर सिंह बड़ोले के बयान पर उन्होंने कहा, जिस तरह की भाषा का उपयोग भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं संघ के लिए किया गया, ये घोर आपत्तिजनक है। इसको लेकर कानून अपना काम करेगा, कानून से ऊपर कोई नहीं। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी छतर सिंह बघेल आज सुमेर सिंह बड़ोले द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और आरएसएस के संबंध में अभद्र टिप्पणी को लेकर ज्ञापन दिया। एफआईआर की जा रही। सुमेर सिंह बड़ोले द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बड़वानी जिले में 15 दिन के अंदर आकर दिखाने की चेतावनी के साथ ही भाजपा और आरएसएस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर फिलहाल जिले में राजनीति गर्म है। कल सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने भी इसका विरोध किया था, कार्रवाई की बात की थी। आज भाजपा नेता ने थाने कोतवाली पहुंचकर सुमेर सिंह पर मामला दर्ज कराया। क्या मामला? कल कुछ वामपंथी संगठनों के नेता ने दो दिन पहले कुछ बयान दिया था, जिसका वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर जारी हुआ था। आज हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चे के जिलाध्यक्ष मनोहर आवासिया जी आज उसी वीडियोस को लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए थाने पर आवेदन देने आए थे, तो मैं उनसे भेंट करने आया था। और जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी को लेकर हो या हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया, वो घोर आपत्तिजनक है और उस पर कानून अपना काम करेगा और कानून से ऊपर कोई नहीं होता है, उसी के तहत हम सब लोग यहाँ मिलने आए थे। अध्यक्ष आए थे, कार्यकर्ताओं के साथ आवेदन दिया है, किस मांग की? हाँ जी, आज सुमेर सिंह बड़ोले के द्वारा जो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री महोदय के आरएसएस के संबंध में अभद्र भाषा की टिप्पणी करने के संबंध में एक आवेदन दिया है, जिसकी कार्रवाई के संबंध में तो इसकी एफआईआर की जा रही है अभी थाने पर। कौन कौन सी धारा में होगा? 294-5-6 आईपीसी के तहत उसका प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।